मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने 29 सीटों पर विजय पाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाई थी। साथ ही साथ कई सीटों पर बीजेपी का मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी ने राज्य में अपनी स्थिति मजबूत की है। हाल में ही हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखा गया कि बीजेपी का प्रदर्शन बेहतरीन है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि लोगों ने बीजेपी को भरपूर समर्थन दिया है और अब उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाजपा प्रमुख बीडी शर्मा की सराहना भी की। उन्होंने भाजपा संगठन को फिर से स्थापित करने के लिए बीडी शर्मा को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बीडी शर्मा के नेतृत्व में एक बड़ा लक्ष्य हासिल किया है और राज्य में 29 लोकसभा सीटें जीती, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। मुख्यमंत्री ने राज्य में पार्टी के कैडर की भी सराहना करते हुए कहा कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं ने डबल इंजन सरकार के काम को गहराई तक पहुंचाया है। यही वजह है कि बीजेपी को 60% से ज्यादा वोट मिले हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में पिछले नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। इस साल पार्टी ने 230 में से 163 सीटें जीती थी।